नमस्कार सभी साथियों को। MGHS एग्ज़ाम 2024 जो कि अगस्त में प्रस्तावित है, इनमें राजस्थान की योजनाएं में से प्रश्न आएंगे। तो कुछ एक क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो उनको ध्यान से देखें और आपकी तैयारी को और भी मजबूत करें। तो 10-15 मिनट का वीडियो है, अच्छे से देखें, सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेन वर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन, कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल कब ओपन हुई थी, तो ये जून 2019 को ओपन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर देयर पर सेक्शन इन क्लास 6 to 8 ग्रुप इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कि 6 से 8 तक ग्रुप में कितने सेक्शन में कितने बच्चे अलाउ है, कितनी सीट अलाउ है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी 35 सीट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधी स्कूल, कि कौन सा कथन महात्मा गांधी स्कूल के लिए गलत है। तो पहला है, एडमिशन थ्रू द लॉटरी सिस्टम, बिल्कुल लॉटरी सिस्टम से होता है एडमिशन, सही है ये तो। कंडक्टेड क्लासेज 1 to 12, ये भी होती है, 12 से क्लास होती है। देर आर रिलेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बिल्कुल ये गलत है, ये CBSE से नहीं है, ये RBSE से है रिलेटेड। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट इज इनकरेक्ट अबाउट द महात्मा गांधी स्कूल, कि कौन सा सेट गलत है। तो प्राइमरी में 25 सीट सही है, 1 से 5 तक 30 सीट ये भी सही है, 6 से 8 तक 35 सीट ये भी सही है, 9 से 12 50 सीट ये गलत है, इसमें आ जाएगा 60 सीट, ये होगा इसमें। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैलोरीज शुड बी देयर इन द MDM ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8, कि 6 से 8 तक के लिए बच्चों के लिए MDM में कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा 700 कैलोरीज। और बात करें 1 से 5 तक की, तो उसमें आ जाएगा 450 कैलोरीज। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच प्रोटीन शुड बी देयर इन द MDM स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5, कि 1 से 5 तक MDM वाले बच्चों के लिए प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी 12 ग्राम। ठीक है, और बात करें 6 से 8 के लिए, तो उनके लिए होती है 20 ग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, वेन वाज मुख्यमंत्री बाल गोपाल स्कीम स्टार्टेड, कि बाल गोपाल मुख्यमंत्री ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये थी 29 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द मुख्यमंत्री बाल गोपाल स्कीम, कौन सा गलत है कथन। तो पावर्ड मिल्क इज गिवन, बिल्कुल सही है, 200 ml मिल्क इज गिवन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 सही है, ये भी सही है, 200 ml दिया जाता है, और 150 ml मिल्क इज गिवन टू सुट्टू एक त्रिपाठी, ये भी सही है, नन ऑफ द अबव, हाँ सभी के सभी सही है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें, गलत पूछा था। नेक्स्ट है, हु कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है, कि जो मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरित की गई थी वो कौन से बच्चों को की गई थी, 1 से 5 6 से 8 नहीं, दोनों ही है इसमें, तो ये आ जाएगा बहुत ए सुबह 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द गिवन टू द स्टूडेंट्स इन मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म एंड 200 रुपीज़, 2 ड्रेस दी गई थी है ना, और साथ में 200 रुपये भी दिया गया था मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म योजना में। नेक्स्ट, हाउ मच फंड डज ए स्कूल गेट इफ़ इट इज सेलेक्टेड इन PM-SHRI स्कीम, कि अगर कोई स्कूल PM-SHRI योजना में सेलेक्ट हो जाती है तो उसको कितना फंड दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, तो उसको दिया जाता है 2 करोड़ रुपये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी गर्ल्स ऑफ ए फैमिली कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ राजश्री स्कीम, कि एक परिवार से राजश्री स्कीम में कितनी लड़कियाँ फ़ायदा ले सकती है, तो ये है up to 2, ठीक है, केवल 2 लड़कियाँ ही फ़ायदा ले सकती है इसका। वेन वॉज द राजश्री स्कीम स्टार्टेड, कि राजश्री स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 1 जून 2016 को। नेक्स्ट, हाउ मच मनी इज गिवन टू ए गर्ल हु इज़ एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ राजश्री स्कीम, कि जब कोई गर्ल्स होती है राजश्री योजना में बेनिफिट लेती है तो उसको टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो उनको मिलते हैं 50,000 रुपये 6 किस्तों में, ध्यान रखना 6 किस्त मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन राजश्री स्कीम हाउ मच रुपीज़
ए गर्ल चाइल्ड गेट वेन सी टेक्स एडमिशन इन क्लास फर्स्ट इन गवर्नमेंट स्कूल, कि जब गवर्नमेंट स्कूल में पहली कक्षा में कोई राजश्री योजना के अंतर्गत एडमिशन लेती है तो उसको पहली किस्त कितनी मिलती है, तो इसमें हो जाएगा 4,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAQ, ये आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया था, NEP की ट्रेनिंग हुई थी 2020 से रिलेटेड, तो उनमें से ही क्वेश्चन, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका SAQ की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCP, CCP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसके लिए हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड पेडोलॉजी। ठीक है, पेडल, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्माइल, स्माइल प्रोग्राम हुआ था स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3.0, तो इसकी फुल फॉर्म भी क्या पिछली बार भी पूछा था, तो ध्यान रखना कि इसी की फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, इसी प्रकार दीक्षा प्रोग्राम हुआ था, तो दीक्षा प्रोग्राम, दीक्षा की भी फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म दीक्षा, तो इसका ध्यान रखना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये दीक्षा की फुल फॉर्म है, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RISE, राइस, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे MCQ, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, आगे भी इस प्रकार के मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, बाय।